बिहार राजनीति के लिए सबसे ज्यादा उर्वरक धरती है और सबसे ज्यादा खपत भी राजनीति की बिहार में ही होती है। ऐसी परिस्थिति में सरकार ने एक तो कम से कम अच्छा डिसीजन लिया है कि स्कूलों, दफ्तरों, विधानसभा, सार्वजनिक रूप से गैदरिंग्स, पार्टी मीटिंग्स, हॉल्स, फलाना चिलाना ढिमकाना सब बंद कर दिया है जी। मगर इसके बावजूद राजनीति बंद नहीं हुई। ऐसी परिस्थिति में सरकार ने एक तो कम से कम अच्छा डिसीजन लिया है कि स्कूलों, दफ्तरों, विधानसभा, सार्वजनिक रूप से गैदरिंग्स, पार्टी मीटिंग्स, हॉल्स, फलाना चिलाना ढिमकाना सब बंद कर दिया है जी। मगर इसके बावजूद राजनीति बंद नहीं हुई। रुआ देख रहा बानी बिहार के डिजिटल क्रांति के जनक न्यूज बिहार के यूट्यूब चैनल भारत लाइव टीवी। बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पर किसी भी मुद्दे का राजनीतिकरण किया जा सकता है। नमस्कार, स्वागत है आपका भारत लाइव में और आप देख रहे हैं रातों रात। आज रातों रात कुछ खास होने वाला है क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि बिहार में ऐसा कोई भी बात नहीं है जिसकी राजनीतिकरण ना की जाए। सही सुन रहे हैं आप देख रहे होंगे आपके स्कूल बंद हैं, कॉलेजेस बंद हैं, सिनेमा हॉल बंद हैं, हर चीज़ दफ्तर बंद है, हर एक चीज़ बंद है। मार्केट एकदम सुनसान सा लग रहा है, रास्ते पर गाड़ियां बहुत कम चल रही है और कोरोना वायरस बिहार में दस्तक दे चुका है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ। आपको याद होगा कि हमारे संपादक ने कई बार आपके सामने ये बात रखी है, जो नमन मिश्रा जी हैं, कई बार ये बोल चुके हैं कि बिहार राजनीति के लिए सबसे ज़्यादा उर्वरक धरती है और सबसे ज़्यादा खपत भी राजनीति की बिहार में ही होती है। और अब तो ऐसा लगने लगा है कि कहीं राजनीति के इस महाजाल में कहीं अब कोरोना वायरस को ही मुख्यमंत्री ना प्रपोज कर दिया जाए। क्या सर, ऐसा लग ही रहा है जिस तरह से अभी राजनीति चल रही है, लग रहा है कि बिहार में कोरोना वायरस के आगे वो मुख्यमंत्री का एक चेहरा हो गया है जिस तरीके से राजनीति इस पर चलने शुरू हो गई है। चुनावी साल हो ना हो लेकिन चुनावी लाल जरूर हो गया है बिहार जी। किसी भी मुद्दे पर, चाहे आप खाने से लेकर नहाने तक की बात कर दीजिए, राजनीति घुस ही जा रही है। और बिहार तो वैसे ही आपने बिल्कुल कहा कि उर्वरक धरती रही है। आप जिस तरह से देख रहे हैं कि स्कूल बंद हैं, खेत बंद हैं, मकान बंद हैं, शमशान बंद है, पान की दुकान बंद है, मकान में लोग सब कुछ बंद है, मगर फिर भी लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी, बारिश चालू है और कहीं ना कहीं इसने और मुसीबतें बढ़ा दी हैं बिहार वासियों की। एक तो ऐसे ही सरकार ने आदेश दे दिया है घर में रहना है, ऊपर से बारिश हो रही है तो मजबूरी और हो गई है घर में रहना। लेकिन घर में रह के व्यक्ति कमाएगा क्या, खाएगा क्या? जो 2 जून की रोटी कमाते हैं सड़कों पर, पहले ही आपको पता होगा कि पिछले साल पटना में जिस तरह से बाढ़ आई थी और शहर डूब गया था, कई गरीब लोगों को दिनचर्या का उन पर आफत आ गया था, तो इनके लिए तो ये महामारी एकदम जानलेवा सी हो जाती है। और खैर चलिए, जब समस्या है तो उसका निदान भी होना चाहिए। मगर एक बात आपको याद दिलाना चाहूँ दर्शकों को भी कि बिहार में हर साल बच्चे मरते हैं वो कोरोना वायरस नहीं है, इंसेफ्लाइटिस है, जिसका अभी तक इलाज नहीं खोजा गया है, जिसके बारे में अभी तक कोई भी प्रोग्रेस जो कहा सकता है पिछले 5-10 सालों में नहीं हुआ है। जो हर्षवर्धन हैं बिहार के, माफ कीजिए, देश के स्वास्थ्य मंत्री तब थे जब पहली बार आए थे और वादा करके गए थे कि इसका इलाज ढूंढ कर लाएंगे, और 5 साल बाद 6 साल बाद आते हैं तो फिर वही बात आकर कहते हैं इसका इलाज ढूंढ कर लाएंगे। खैर, इलाज ढूंढे ना ढूंढे बच्चे तो हमारे मर रहे हैं बिहार के जी। अब जब इतनी छोटी सी बात है कि इंसेफ्लाइटिस बिहार जैसे छोटे जगह पर होती है, यूपी में कभी कभी फैल जाती है, नेपाल तक पहुंचती है, और इसे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं हम, तो समझ लीजिए कि अगर कोरोना वायरस अगर खुदा ना खास्ता अगर फैल गया बिहार भर में, तो मुझे नहीं लगता कि शायद उतने शमशान और उतनी लकड़ियां होंगी जहां पे इतने लोगों को दफनाया और सुलगाया जा सके जी। ऐसी परिस्थिति में सरकार ने एक तो कम से कम अच्छा डिसीजन लिया है कि स्कूलों, दफ्तरों, विधानसभा, सार्वजनिक रूप से गैदरिंग्स, पार्टी मीटिंग्स, हॉल्स, फलाना चिलाना ढिमकाना सब बंद कर दिया है जी। मगर इसके बावजूद राजनीति बंद नहीं हुई है, राजनीति अनवरत ढंग से चली जा रही है, लोग राजनीति का खूब मजा ले रहे हैं, राजनीतिक खूब राजनीति पैदा कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, आपको बता दूं कि राजनीतिज्ञों, कई राजनीतिक दलों ने और राजनीतिक हस्तियों ने अपने कई प्रस्तावित कार्यक्रमों को रद्द किया था जी। तेजस्वी यादव ने अपना राजगीर का शिविर सत्र खत्म कर दिया, चिराग पासवान बिहारी फर्स्ट लेकर घूम रहे थे वो खत्म उन्होंने कर दिया, प्रिया पुष्पम पाठक घूम रही हैं नालंदा में, उसकी वास्तविकता क्या है ये नहीं पता है, मैं वीडियो उनके फेसबुक पेज पर दिख रहा है, प्रशांत जी का जो विजन है वो भी अभी अधर में लटकाया गया है क्योंकि जिस तरह से ये हो रहा है।
आप अगर बिहार के सारी पार्टियों को देखते हैं तो सभी ने अपने कार्यक्रम को स्थगित कर दिया है, और ये इसलिए किया गया क्योंकि सरकारी फरमान भी आया है जी। लेकिन इसके बावजूद सुनने में भी अचंभा करने वाली बात है और बड़ा विचित्र भी है कि बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हैं मंगल पांडे जी, इंसेफ्लाइटिस में बच्चों जब मर रहे थे बच्चे तो ये बैठे हुए थे, तो हर्षवर्धन जी और अश्विन चौबे के साथ इन्होंने न्यूज में स्कोर पूछ दिया था पत्रकारों से कि क्या स्कोर है इंडिया पाकिस्तान के मैच का जी, सीरियसनेस कितना है, कितना परिपक्व हैं अपने जो उनको मिला है जिम्मेवारी उसको, कितने योग्य हैं उसके, तो उसी सवाल से ही समझ में आया था। लेकिन फिर भी अभी फिलहाल ये मौजूदा बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हैं, बिहार की विडंबना हो या इनकी हो सकता है कि किस्मत में लिखा हुआ हो। आज इन्होंने 5 धड़ाधर जो सभाएं की हैं और इन सभाओं के माध्यम से आप सोच सकते हो सकता है कि स्वास्थ्य मंत्री हैं, लोगों को जागरूक करने जा रहे होंगे, डॉक्टरों की एक अच्छी खासी टोली लेकर गए होंगे, वैक्सीनेट करेंगे, लोगों को समझाएंगे, नहीं ऐसा कुछ नहीं था जी। पूर्णतः राजनीतिक कार्यक्रम करने गए थे, भाजपा के कार्यकर्ताओं से मुलाकात किए हैं, आगामी चुनाव में जीतने का मूल मंत्र दिए हैं, जिंदा रहो या मर जाओ लेकिन चुनाव जीतना जरूरी है, और वो चुनाव जीतना जरूरी है जिस चुनाव में इनका खुद का दूल्हा ही नहीं है, नीतीश कुमार को लेकर जा रहा है लूटो के उठा के पीठ पर जी। कितना सीरियस हैं भाजपा की अगर बात करें तो झारखंड हाथ से निकल गया, महाराष्ट्र हाथ से निकल गया, मध्य प्रदेश कैसे हाथ आया वो तो दुनिया देख ही रही है, और बाकी कई जगहों पे भद पिट रही है, तो महाराष्ट्र हाथ से निकल गया जी। अब इसके बावजूद भी इन्हें समझ में अगर नहीं आ रहा हो कि कहाँ गलती हो रही है तो आईने के सामने खड़े हो जाए जी, शायद उससे कुछ समस्या का निदान हो, शायद समस्या आईना में ही दिख जाए। देखिए मजाक नहीं है, ये सीरियस टॉपिक है, बिहार में जब जनता के लिए कानून बना है तो आप जनता से अलग नहीं है, आपको सार्वजनिक गैदरिंग्स नहीं करनी चाहिए, ये अगर सीधे तौर पे कहा जा सकता है एक आम व्यक्ति के लिए भी एक दंडनीय अपराध की तरह है। आज लोगों को जुटान करना और राजनीतिक जुटान करना इस तरह का महत्वहीन हो जाता है, और स्वास्थ्य मंत्री अगर खुद कर रहे हों तो अब इससे बड़ा आयरोनिक कुछ नहीं हो सकता है, और इस चीज़ को तेजस्वी यादव ने घेर लिया है। तेजस्वी अपने जो घर बैठने का और इस कोरोना वायरस में राजनीति छोड़ने का पूरा फायदा उठा रहे हैं, वो घर से राजनीति कर रहे हैं, और उन्होंने लगता है फेसबुक पे खोजा है सभी लोगों का कि कौन क्या कर रहे हैं, और मंगल पांडे धप्पा हो गया इनका जी, सारा पोस्ट दिख गया इनका 4-5 जगहों पर जो इन्होंने किया है। देखिए राजनीतिक महत्वाकांक्षा अपनी जगह पर है, स्वास्थ्य सेवाएं अपनी जगह पर हैं, ये बुखार नहीं है, ये जॉन्डिस नहीं है, ये कैंसर नहीं है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचने में समय लगता है। अगर बिहार में आइसोलेशन नहीं होता है, अगर एक भी केस अगर रजिस्टर हो जाता है ऐसा पब्लिक गैदरिंग में, तो आप इसे एपिडेमिक माने कि अनलिमिटेड प्रोपोर्शंस में लोगों की मृत्यु होगी इससे, और सरकार जो कि छोटा सा जगह पे बाढ़ आता है और निकालने में पानी से समय लग जाता है, वो सरकार जो इंसेफ्लाइटिस में बच्चे मरते हैं, और आप खुद देख लीजिए ना, जीता जागता उदाहरण अभी कुछ दिन पहले का है जब ये चमकी बुखार आया था, उस समय कितने बच्चे मरे, लेकिन जब उससे सरकार निजात नहीं पा पाई तो आपको लगता है कि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए बिहार में 100-200 बच्चों को होता है छोटा सा रोग जो कि इलाज इसका निकल सकता था, तो वो नहीं अगर कर पा रहे तो ये हजारों लाखों लोगों को अगर एक साथ कोरोना हो जाता है तो मुझे तो नहीं लगता है कि संभव है बिहार सरकार के पास ऐसा तंत्र है, ऐसा मशीनरी है जो कि ठीक कर पाए। सवाल भी बहुत सही तेजस्वी यादव ने पूछ दिया है और फंसा दिया है नीतीश कुमार को, उन्होंने हमला भाजपा के ऊपर नहीं किया है, सीधे मंगल पांडे पर नहीं किया, उन्होंने एक बड़ा पोस्ट लिख दिया है और घेर लिया है नीतीश कुमार को, सरकार को घेर लिया है, सदन बंद करा दिया आपने, हमने अपने कार्यक्रम स्थगित कर दिए, हमारी भी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, हमने सब कुछ त्याग कर दिया, और आपके लोग आपके सहयोगी जाकर घूम घूम कर लोगों से राजनीति कर रहे हैं, करवा रहे हैं, सार्वजनिक गैदरिंग्स कर रहे हैं, इतनी बड़ी सिक्योरिटी जो कहा सकता है हेल्थ सिक्योरिटी मेजर्स को डाक पर रख रहे हैं जनता की, और उसका एकमात्र उपाय हो सकता है आप उन्हें तत्काल बर्खास्त कीजिए, क्योंकि ये जिस तरह से सरकार का जो निकला है जो लेटर, जिस तरह से आदेश आया है सरकारी, इस हिसाब से उन्होंने इसकी नाफरमानी की है, और सरकारी व्यक्ति जो जनता की तरफ से रिप्रेजेंट कर रहे हों या सरकारी नौकरी कर रहे हों वो इसकी अवहेलना नहीं कर सकते हैं, उन पर मुकदमा हो सकता है। इसी तरीके से उन्होंने घेर लिया है मंगल पांडे को, निशाना मंगल पांडे पर है मगर हमला किया है नीतीश कुमार पर, एकदम नीतीश कुमार को उन्होंने घेर लिया है, और मुश्किल होगा इस चक्रव्यूह से निकल पाना, बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि
अपरिपक्वता साफ तौर पर दिख रही है। जिस पद पर है, मैं बार बार कहूंगा, मुख्यमंत्री के बाद बिहार में स्वास्थ्य मंत्री पर ही सबसे ज्यादा दारोमदार इसलिए होता है क्योंकि बिहार में देख लीजिए टीबी के कैसे सबसे ज्यादा होते हैं, कुपोषण के कैसे सबसे ज्यादा होते हैं, चमकी बुखार आप देख ही रहे हैं, कैसे हर साल डेंगू फैलता है आप देखते हैं, बाढ़ की विपदा आती है, ये सारी चीजें मेडिकल कंडीशंस जो ह्यूमन इवोल्यूशन है, जो व्यक्ति का हेल्थ स्केल है, इस पर मापदंड पर बिहार सबसे फिसड्डी है। प्रशांत किशोर ने भी घेरा नीतीश कुमार को, औसत आयु कम है लोगों के बिहार में, किस तरह के बिहार का निर्माण नीतीश कुमार 15 सालों से कर रहे हैं, इस पर भी एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। हालांकि कोरोना वायरस को नीतीश कुमार ने पैदा नहीं किया है, ना ही ये चमकी बुखार की तरह नीतीश कुमार जी के बिहार का कोई ऐसा बीमारी है, ये एक वैश्विक कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि आपदा है जो कि सभी जगहों पर पहुँच रही है, और इससे निपटने के लिए थोड़ी संजीदगी दिखानी चाहिए। खास तौर पर अगर देखिए, मैं कहूँगा कि आम जनता अपने कार्यक्रम लगातार कर रही है, लोग जो करते हैं वो कर रहे हैं, थोड़े लोग जरूर डरे हैं, मगर ये जो डर है जरूरी है, ये इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आप जैसे सेलिब्रिटीज होते हैं, जो नेता होते हैं, अगर ये अपने एक्शन से वो रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे डर, तो लोग नहीं डरेंगे। अगर सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, शाहरुख खान, सलमान खान ये अपने एक्शंस को नहीं रखेंगे अच्छा और संस्कारी, तो जनता जो देखेगी वही करती है। तो अगर वो नेतागिरी करेंगे तो चाय के दुकानों पर फिर से कनस्तर और बस्तर लगना शुरू हो जाएगा और लोग पान की पिचकारियां एक दूसरे के मुंह पर थूकेंगे। होली जैसे पर्व में बिहार में लोगों ने बहुत संजीदगी से मनाया क्योंकि कोरोना का डर था। आप देख सकते हैं इस बीमारी को लेकर कितना भय का माहौल बना हुआ है, कितने अफवाहें फैल रही हैं, और ऐसी परिस्थिति में कम से कम स्वास्थ्य मंत्री का आचरण सन नहीं होना चाहिए। तेजस्वी ने अच्छा पकड़ लिया है, अब नीतीश कुमार के ऊपर पूरी तरह से दारमदार है कि क्या डिसीजन लेते हैं, क्या मंगल पांडे को अब हटाएंगे, कुर्बानी देंगे, क्योंकि कुर्बानी देने लायक नीतीश कुमार बच्चे भी नहीं है। ये सवाल हम दर्शकों से भी पूछ लेते हैं कि दर्शक क्या चाहते हैं इस चीज में। अगर देखिए नीतीश कुमार भाजपा से इस समय लड़ाई लेंगे तो भाजपा बड़ी उनको भी दवाई देना सीखती है, कोरोना का दवाई होगा नहीं, मगर नीतीश का दवाई हो जाएगा जी। तो जरूर बताइएगा, हमें कमेंट बॉक्स हमेशा खुले हुए हैं, तो कमेंट बॉक्स में हमें मैसेज करके जरूर बताएं कि क्या आप चाहते हैं कि मंगल पांडे के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए या उन्हें बख्श देना चाहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फैमिली मेंबर्स के साथ इसको जरूर शेयर कीजिएगा, साथ ही कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा कि क्या कार्रवाई होनी चाहिए। बाई खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। धन्यवाद। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर प्रतिभा प्रोत्साहन परीक्षा 2019। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।